10 सबसे बड़ी चुराई गई चीजें, 10 बिगेस्ट थिंग्स स्टोलन एवर। नमस्कार दोस्तों, टॉप 10 हिंदी की एक और रोचक और विस्मयक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने घरों में, बैंकों में और होटल्स में चोरी हो जाने की खबरें तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन क्या आपने ऐसी चोरियों के बारे में सुना है जिसमें पूरे के पूरे शहर ही चुरा लिए गए हों? आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आज तक की 10 सबसे बड़ी चीजों की चोरियों के बारे में जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 10, 300 मैनहोल कवर्स। अगर किसी चोरी को बहुत विचित्र कहा जाएगा तो वो इस चोरी को कहा जाएगा जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ये चोरी है मैनहोल कवर्स की, जो कि सीवेज टनल पर लगे होते हैं। आपको बता दें, एक मैनहोल कवर 300 पाउंड्स का है और ऐसे 300 मैनहोल्स काफी भारी होंगे। ऐसे मैनहोल्स की चोरी के पीछे क्या कारण था, ये तो सोचने की बात है। यही शायद आप भी सोच रहे होंगे, लेकिन हम आपको इसका सच्चा कारण बता सकते हैं। इनका वजन लगभग 90,000 पाउंड्स होगा। अब इतने मेटल को बेचकर काफी अच्छे पैसे कमाए जा सकते हैं, जब उसकी कीमत $75 के रेट पर हो। अगर कोई प्लास्टिक कैंस को रिसाइकल करके पैसे कमाता होगा तो वो इस तरीके से हजारों रुपए का मालिक जरूर बनना चाहेगा। जो पैसे वो कमा सकते हैं उनकी असली कमाई से भी 30 गुना ज्यादा होगा। 9, अ टैंक। अब शायद आपको मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन आपको बता दें कि टैंक सच में चुराया जा चुका है। जिसने इस टैंक को चुराया था उसके बारे में जानकर तो आपके होश उड़ जाएंगे। बात है 17 मई 1995 की, जब एक आदमी ने पूरा का पूरा टैंक ही चुरा लिया, जो खुद पेशे से एक प्लम्बर था। ये सवाल आज भी हैरान कर देता है कि आखिर एक प्लम्बर ने कैलिफोर्निया के आर्मी नेशनल गार्ड आर्मरी से टैंक कैसे चुरा लिया। इसे इतिहास की सबसे बड़ी चोरियों में गिना जाता है और ये काफी अविश्वसनीय भी है। टैंक को चुराने के बाद ये चोर सफाई से नहीं निकल पाया और पुलिस ने इसका पीछा किया। फर्क केवल इतना था कि एक टैंक 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज नहीं चल सकता, जिस कारण चोर पुलिस द्वारा मारा गया। अब शायद ऐसे काम के बाद तो यही होना था। 8, इजी एयर माइल्स। ये दुनिया में सबसे बड़ी चीजों में से एक को चुराने वाले वो चोर हैं जिन्हें आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। इन चोरों ने पूरी दुनिया को हैरान तब कर दिया जब इन्होंने रनवे से पूरा का पूरा प्लेन ही चुरा लिया। इन्होंने बिना किसी लाइट को ऑन किए और बिना कंट्रोल रूम से संपर्क किए ही प्लेन को टेक ऑफ कर लिया। इन दोनों में से एक इंजीनियर था तो एक मैकेनिक। इन्होंने पूरा का पूरा बोइंग 747 ही चुरा लिया। जब उन्हें देखा गया तो ये पता चला कि इनमें से एक था बेन सी पडिला और दूसरा जॉन एम मोटांटो, जो कि पेशे से एक फ्लाइट इंजीनियर और मैकेनिक थे। सबसे हैरानी की बात यह है कि ये दोनों इस प्लेन को चुराने में कामयाब कैसे हो गए। ये इतिहास में चुराई गई सबसे बड़ी चीजों में से एक है। 7, ऑयल टैंकर। आपको शायद यकीन ना आए, लेकिन एक पूरा भरा हुआ ऑयल टैंकर भी चुराया जा सकता है, और इस बात का सबूत है एक चोरी जिसमें एक ऑयल टैंकर को ही चुरा लिया गया जो कि पूरा भरा हुआ था। 2008 में सोमाली पायरेट्स ने एक फुली लोडेड ऑयल टैंकर को घाना की ऑयल फील्ड से चुरा लिया। इसमें 1.4 मिलियन ऑयल बैरल्स थे, जिसमें एक बैरल की कीमत लगभग $100 तक थी। इसे इतिहास की एक बड़ी चोरी माना जाता है। क्या आपको लगता है ऐसी चोरी सिर्फ एक बार हुई होगी या दो बार? जी नहीं, ऐसी ही 3 चोरियां लगातार 18 महीनों के समय में हुई। इसमें नाइजीरियन नेवी, जो कि प्लेन की सुरक्षा में थी, उसने एक प्लेन को ढूंढ लिया और दूसरे रंग से पेंट कर दिया। दूसरे टैंकर उनके लिए ढूंढना संभव नहीं हुआ और अब तक वो गायब है। ये ऑयल टैंकर आज तक चुराई गई सबसे बड़ी चीजों में से एक है। 6, अ फाइटर प्लेन। किसी भी सेना का एक अहम हिस्सा होता है एक फाइटर प्लेन। एक बार को माना जा सकता है कि आप बड़ी से बड़ी चीज चोरी कर लेंगे, लेकिन फाइटर प्लेन को इतनी सिक्योरिटी में रखा जाता है कि चुराना बहुत मुश्किल होता है। अब ऐसी एक चोरी हुई और वो कैसे संभव हुई, चलिए जानते हैं। 1992 में एक मेजर जो कि इजराइल एयरफोर्स से थे, उन्होंने एक वर्ल्ड वॉर टू मस्टैंग फाइटर प्लेन को ही चुरा लिया। जब इसे आर्ट फील्ड में रखा गया तब मेजर ने उसे स्वीडन ले जाने से पहले रीस्टोर किया और फिर वहां जाकर $3,30,000 के लिए बेच दिया, जो कि भारतीय रुपए में लगभग 2,30,00,000 रुपए के बराबर है। हैरानी की बात है, इतनी बड़ी चीज चुराने के बाद भी मेजर बच गए और वो प्लेन आज भी स्वीडिश कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं। 5, 3,000 पाउंड का घंटा। इस चोरी के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी 3,000 पाउंड का, जो कि 1,500 किलोग्राम के आसपास होता है, उतना बड़ा घंटा देखा है? अगर आपका जवाब है नहीं, तो आज आप देख सकते हैं इस घंटे को, जो चोरों ने भी नहीं छोड़ा और इसे एक बुद्धिस्ट मंदिर से चुरा लिया गया। साधुओं के अनुसार इस घंटे का इस्तेमाल बहुत कम ही होता था, लेकिन उनके लिए वो घंटा अनमोल था। चोरों ने इस घंटे को मंदिर से चुरा लिया, लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि उन्होंने 12 फुट के इस घंटे को और इतने भारी होने के बाद भी कैसे चुराया। हो सकता है वो इसे पिघलाकर बेचना चाहते हों, लेकिन पता नहीं क्यों उनकी ये तरकीब नहीं चली और वो एक साल बाद ही इसे $500 के लिए बेचते नजर आए।
इतने बड़े चोर इतनी लापरवाही के कारण पकड़े जाएंगे ये किसी ने भी नहीं सोचा था। 4. अ ब्रिज। अब ब्रिजेस पे इतनी सिक्योरिटी तो होती नहीं है कि यहाँ कोई चोरी को रोका जा सके। इसी को सोचकर 2007 में एक 200 टन के ब्रिज को चुरा लिया गया और रातों रात सड़क से गायब हो गया। ये ब्रिज उस एकमात्र रास्ते का हिस्सा था जो कि लोकल हीटिंग प्लांट से जुड़ता था। ऐसा एक बार नहीं हुआ बल्कि ऐसा होता ही रहा और फिलहाल भारत में भी 2 पुलों को चुराया जा चुका है। इन ब्रिजेस को चुराने के पीछे चोरों का असली मकसद क्या है ये कहना मुश्किल है। 3. अ बीच। ये शायद आपको बहुत अजीब लगे लेकिन 2008 में एक बीच को ही चुरा लिया गया। अब आप खुद ही सोचिए, 2008 में जुलाई का महीना है और आप जमैका में अपने मन पसंदीदा बीच पर घूमने गए हैं और आपने देखा कि आपका बीच वहां से गायब है। ऐसे में आपको पता चले कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है बल्कि सच में ही आपका बीच चुरा लिया गया है। आपको शायद ये समझ नहीं आ रहा होगा कि एक बीच को आखिर कैसे चुराया जा सकता है, तो चलिए बताते हैं आपको इसी कहानी का सच। दरअसल जमैका में एक बार सैकड़ों टन सैंड की चोरी कर ली गई और वो भी बीच से, तो इसे एक बीच को चुराना ही तो कहेंगे। ये सैंड ट्रेलोनी के स्प्रिंग कोरल बीच से चुराई गई थी। जिसने चुराया ये तो पता नहीं चला लेकिन ये चोरी इतिहास के पन्नों में विचित्र चोरी के रूप में दर्ज जरूर हो गई। 2. एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। अब ये किस्सा जितना विचित्र है उतना ही मजेदार भी है। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आखिर एक आसमान छूती इमारत को चोरी कैसे किया जा सकता है तो ये ध्यान से सुनिए। दरअसल बात है 2008 की, जब एक अखबार ने एक मिशन शुरू किया जिसका लक्ष्य था ये देखना कि शहर की व्यवस्था कितनी खराब है और लोग किस तरह काम में लापरवाही बरत रहे हैं। इसके लिए उन्होंने कुछ पेपर्स तैयार किए जिसमें किंग कॉन्ग स्टार और फ्रे व्रे के विटनेस होने जैसी होश उड़ा देने वाली जानकारियां थी। यहां तक कि इसमें बैंक रॉबर विली सूटन का नाम भी मौजूद था। इन पेपर्स को जमा भी करा दिया गया और फिर जो हुआ वो उस सभी हैरान कर देने वाला था। अखबार की सोच के जैसे ही सब हुआ और पेपर्स पास हो गए और उन्हीं पेपर्स के चलते वो न्योट्स प्रॉपर्टीज LLC एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के नए मालिक बन गए। 1. पहाड़ की चोटी। ये कहानी इन सब में से सबसे विचित्र है जिसे आप अभी जानने वाले हैं। पूर्वी भारत में कुछ लोगों ने एक पहाड़ जिसका नाम है हुमटा पहाड़, उसकी चोटी को ही चुरा लिया। अब ऐसा गांव वालों ने इसलिए किया क्योंकि उनके पास अपनी जिंदगी का गुजार करने के लिए जरूरी पैसे भी नहीं थे। गांव वालों ने अभी तक एक पहाड़ के एक तिहाई हिस्से को काट लिया है और उन्होंने 11 घंटे काम करके पहाड़ की चोटी को अलग कर लिया और प्रॉपर्टी डेवलपर को बेच दिया। ये सबसे बड़ी चोरियों में से एक है जो आज तक हुई है, लेकिन फिर भी ये चोरी मुझे उतनी गलत नहीं लगती। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में शेयर करें और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और संबंधियों से शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक और ऐसे ही रोचक वीडियो में टॉप 10 हिंदी पर। धन्यवाद।